वेलकम टू जीके सेक्शन। मैं मुस्कान, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में एसएससी बेसिक परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, जो आपके एसएससी के सभी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। हम बात कर लेते हैं परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। सभी एग्जाम परसेंटेज की मान्यता होती है। अगर आपको परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, आप ऑटोमेटिकली हर सेक्टर में आपको स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। तो जितना बेस्ट आपका परसेंटेज होगा, उतने ही बेस्ट आपके स्कोर होंगे। बात करते हैं परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। क्या हम 9 to 10 परसेंटेज के परसेंटेज, और जब फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलते हैं तो उसको हम गुणा करना चाहते हैं, नहीं तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप करते कैसे हैं? 10% को आप बदलना है, बदलने के लिए हम उसको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। हम यहाँ पे 10 डिजिट लिखा है, तो हम उसको लिखेंगे 10/100। अब 0 से 0 हम 0 को काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाता है 20% का होता है, यूनिट को लिखेंगे 20/100। अब इसका आंसर हम उसको काटेंगे, 0 से 0 को काटेंगे और 2 भी 10 को काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/5। ऐसे ही 11% का होगा तो 11/100 लिख देंगे, और 12.5% थोड़ा सा अलग है तो हम कैसे लिखेंगे 12.5/100। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, और अगर इसको काटेंगे तो उसका आंसर 1/8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/3 है। अब ये फ्रैक्शन हिसाब है, अगर हम इसको परसेंट करेंगे तो 100/3 हो जाएगा जब इसको गुणा करेंगे, और जब हम 100/3 को काटेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा सही 1/3। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आया हो। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज के टेबल के बारे में। तो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको टेबल याद होनी चाहिए। जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज की टेबल आप कहीं कैसे भी याद कर सकते हैं, उसको वॉलपेपर लगा लें, कुछ भी कैसे भी आप याद कर लो। हम फ्रैक्शन की टेबल समझ लेते हैं कि है कैसे। अब देखो, एक जब हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो 1/1 है तो उसको जब हम 100 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा 100%। ठीक है, अब ऐसे ही 1/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा 2 को हम 100 से काटेंगे तो हमारा 50% निकल जाएगा। ऐसे ही 3 को जो 1/3 है और हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3 को हम 100 से काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3%। वैसे ही 1/4 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं और 4 को जब हम 100 से काटेंगे तो उसका आ जाएगा 25%। ठीक है, ऐसे ही 1/5 है, अगर 5 को जब हम 100 से काटते हैं तो इसका हमारा निकल जाएगा 30%। फिर 1/6 है तो 16 से ही 2/3 का प्रतिशत निकलेगा, और अगर डेसिमल में भी आपको 16.66% अगर कहीं दे रखा होगा तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि इसका मान 1/6 हो। अगर आपको डेसिमल में 16.66% दे दे तो आपको पता होना है कि 1/6% ही इसका मान है। अब ऐसे ही 1/7 है तो इसका 100% में निकलेगा 14 से ही 2/7%। ठीक है, अब ऐसे ही 1/8 है तो इसको 12 से 1/2% निकलेगा, और डेसिमल में इसका आंसर होता है 12.5%। अब कहीं 12.5% दे रखा है तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि 1/8 ही इसका मान है। ठीक है, ऐसे ही 1 से लेकर 20 तक की टेबल, 1 से 20 तक आपको पूरी टेबल यहाँ तक याद होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जब आज की टेबल में 8 आते हैं, उसमें 1 ही हम जमा कर देते हैं तो 9/8 बनता है। वैसे ही आज की टेबल में 16 आता है, उसमें हम 1 और जमा कर देंगे तो हमारा 17/8 मिल जाएगा। तो आज की टेबल में 24 आता है, उसमें हम 1 जमा करेंगे तो हमारा 25/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखते हैं 9/8। अब 9/8 का आपको पता है कि 1 से 1/8 का मान होता है, जब हम शुरू से लिखते हुए आए हैं 1 से 1/8। हमें ये पता होना है, हम ये मानेंगे कि ये 1 से 1/8 ना होकर 1 जमा में 1/8 होगा। ठीक है, 1 जमा 1/8 है तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हमें पता है परसेंटेज की टेबल के अकॉर्डिंग 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है,
एक का मतलब होता है 100% जमा में 1/8 का मार्क होता है 12 12.5। ठीक है, तो हम जब इसको जमा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 112.5%। अब हम देख लेते हैं 17/8। अब हमें पता है कि 2 सही 1/8 होता है, तब हम लिखेंगे 2 जमा में 1/8। जब 1 का हमारा 100% होता है तो 2 का मान हमारा 200% होगा, और जमा में 1/8 का मान हमारा 12.5% है। ठीक है, और तो हम इसको जमा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 212.5। ऐसे ही हम 65/8 को लेते हैं तो 65/8 से 1/8 होता है, तो हम लिखेंगे 8 जमा में 1/8। अब जो 1 का मान 100% है, 2 का मान 200% है, तो 8 का मान 800% होगा। फिर जमा 1/8 का मान होता है 12.5%। ठीक है, ये आपको तब समझ में आएगी टेबल जब आपको परसेंटेज की टेबल अच्छे से याद होगी। अगर आपको परसेंटेज की टेबल अच्छे से याद नहीं होगी तो आप इन क्वेश्चन की सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है आपको परसेंटेज की टेबल के बारे में पता होना। जब हम इसको जमा करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 812.5। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आया है। ये था हमारे परसेंटेज का बेसिक मेथड। सेकंड टाइप भी आपका ऐसे ही होगा, ये जमा में था और ये माइनस में भी सेम ऐसे ही होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आया। ये हमारा परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था इंट्रोडक्शन का। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम अगली वीडियो में एसएससी के एग्जाम में आने वाली परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।